इस टाइप की फोटो एडिटिंग सिखाने वाला है। तो ना भाई इस वाली वीडियो में बहुत बूम फोटो लग रही है, इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी तुम्हारे भाई ने, वो जब करी थी अपलोड और आप कहते बहुत ज़्यादा डीएम भाई इस टाइप की टोन बताओ भाई हमें, वो भी मोबाइल फोन से। ओके सो गाइस बताने वाला है इस टाइप की टोन, तो वीडियो यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो लाइक नहीं करता लाइक कर देना, न्यू हो चैनल पर भाई सब्सक्राइब कर देना, सदैव बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ओके सो गाइस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं, लेट्स डू इट। यहाँ पर गाइस जो आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है वो करने का लाइट रूम। ओके सो गाइस यहाँ पर आपको फोटो ऐड कर लेनी, तो ऐड करने के बाद गाइस जो हमारी नॉर्मल इमेज थी गाइस हमारी नॉर्मल इमेज बहुत बेकार थी। ओके एडिटिंग करके कुछ हमने बूम एडिटिंग कर ली थी, तो बताने वाला है। तो फर्स्ट स्टेप जो आता है वो आता है लाइटिंग कंडीशन, तो लाइटिंग कंडीशन देखते हैं हम। ओके सो गाइस यहाँ पर हमारी हाईलाइट फोटो में बहुत ज़्यादा है, तो गाइस इसकी हाईलाइट हम कम कर लेंगे। ओके सो गाइस यहाँ पर गाइस हमारी फोटो गाइस बहुत फीकी फीकी सी है। ओके सो गाइस यहाँ पर हम कॉन्ट्रास्ट को ऐड कर लेंगे, तो हमारी फोटो थोड़ी डार्क डार्क सी हो जाएगी। ओके तो वाइट बैलेंस को हम हल्का सा माइनस करेंगे और ब्लैक को भी गाइस माइनस करने के बाद यहाँ पर गाइस हम शैडो बढ़ा देंगे। ओके यहाँ पर देखते हो गाइस कलर जब हम देखते हो लाइटिंग कंडीशन और कलर देखते हो वापस आ चुके हमारे बैकग्राउंड के। ओके तो लाइटिंग कंडीशन आपको खुद समझनी होगी अपने हिसाब से, अगर नहीं समझते हो तो गाइस आपको यहाँ पर ऑटो का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो इस पर आप टैप कर देना आपकी ऑटो अपना आप लाइटिंग कर देगा। ओके तो यहाँ पर कलर्स में जाएंगे, कलर्स में जाने के बाद गाइस का वाइब्रेंस बढ़ा देंगे, तो यहाँ पर वाइब्रेंस बढ़ाने के बाद गाइस जो हमारे फोटो के कलर थे वो वापस आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर गाइस मिक्स टूल को हम ओपन करते हैं, मिक्स टूल को ओपन करने के बाद गाइस यहाँ पर आपको येलो कलर में जाना है, येलो कलर की सैचुरेशन आपको बिल्कुल डाउन कर देनी है। तो ग्रीन कलर में जाना है इसकी भी सैचुरेशन डाउन, स्काई ब्लू में जाना है इसकी भी सैचुरेशन डाउन, ब्लू कलर में जाना है इसकी भी सैचुरेशन डाउन, और ब्लू कलर का जो लूमिनेंस है वो हल्का सा गाइस माइनस कर देना, जो हमारे कपड़ों के डार्क हैं और डार्क हो जाएं कपड़े। ओके ब्लैक हो जाएं, तो यहाँ पर गाइस हम ऑरेंज कलर पर टैप करेंगे, टैप करने के बाद यहाँ पर गाइस हमारा फेस है इसकी सैचुरेशन हम डाउन करेंगे, तो डाउन करने के बाद गाइस ओके जो यहाँ पर इसका हम लूमिनेंस बढ़ा देंगे, तो लूमिनेंस बढ़ाने के बाद हमारा फेस हल्का सा ब्राइट हो जाएगा, तो बहुत अमेजिंग लग रहा है। ओके तो यहाँ पर गाइस हम डन क्लिक कर देंगे, डन क्लिक करने के बाद ये देखते हो गाइस बिफोर, ये देखो आफ्टर। ओके तो ये देखो बिफोर, ये देखो आफ्टर। ओके सो गाइस यहाँ पर गाइस हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद हमें इफेक्ट ओपन करेंगे, इफेक्ट ओपन करने के बाद यहाँ पर गाइस हम क्लियरिटी को हल्का सा ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद यहाँ पर टेक्सचर भी हल्का सा ऐड कर लेंगे। सो गाइस मेन जो पॉइंट आता हुआ था गाइस आपका स्लिप टोन, तो स्लिप टोन को आपको ओपन करना है, ओपन करने के बाद जो गाइस आपकी हाईलाइट है वो लेनी गाइस ग्रीन की ओर, तो गाइस हल्की सी गाइस ग्रीन टोन ले आना। तो ग्रीन टोन लेने के बाद यहाँ पर गाइस हमने सैचुरेशन जो इसकी हाईलाइट है वो गाइस 10 रखी है, तो 10 रखने के बाद नीचे मिलता है गाइस शैडो का ऑप्शन, तो शैडो आपको लेनी है ब्लू की ओर। ओके तो यहाँ पर हम ब्लू की ओर ले जाएंगे, तो यहाँ पर गाइस हमें ब्लू की ओर लगाने के बाद गाइस जो हमारी ग्रीन थी वो गाइस हम हल्की सी माइनस करेंगे, तो यहाँ पर गाइस हल्की सी माइनस करने के बाद यहाँ पर गाइस हमने 6 रखी है, 6 रखने के बाद गाइस जो आपका बैलेंस है आपको कम लग रहा हो तो गाइस आप बढ़ा सकते हो, और ज़्यादा लग रहा हो तो आप माइनस कर सकते हो। तो गाइस मैं हल्का सा बढ़ा दूंगा, तो बढ़ाने के बाद गाइस हल्की सी जो उसका शैडो है ब्लू की ओर हल्की सी ओर ले जाएंगे, तो ले आने के बाद ये देखो गाइस बिफोर, ये देखो आफ्टर, डन क्लिक करना है। डन क्लिक करने के बाद गाइस जो हमारी टोन थी वो तो गाइस डल चुकी है। ओके तो गाइस स्टेप बाय स्टेप आपने देख लोगे, ये देखो बिफोर, ये देखो आफ्टर। ओके तो टोन आपको नहीं डालनी आई तो मैं सोचता हूँ प्रीसेट डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से डाउनलोड कर लेना अगर डालता हूँ तो। ओके तो गाइस हम फोटो को हल्की सी शार्प बना लेंगे, शार्प बनाने के बाद ओके तो गाइस अब काम करने वाले के हम सेलेक्टिव टूल का, तो ये था सेलेक्टिव टूल, इसे हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस आइकन, प्लस आइकन बजाने के बाद यहाँ पर 3 डॉट पर आपको टैप कर देना है। टैप करने के बाद यहाँ पर गाइस हम जो हाईलाइट थी वो गाइस हमारी यहाँ से आ रही थी, तो यहाँ पर हम एक लेयर को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद लाइटिंग में जाएंगे, लाइटिंग में जाने के बाद हम हाईलाइट बढ़ा देंगे। ओके तो यहाँ पर गाइस हल्की सी हाईलाइट को हम बढ़ा देंगे, सो गाइस देख तो कितनी बूम लग रही है हाईलाइट, ये देखो बिफोर, ये देखो आफ्टर। फिर से जाएंगे सेलेक्टिव टूल में, यहाँ पर गाइस हम प्लस आइकन में जाएंगे, एक गाइस नीचे से लेयर ऐड करेंगे, नीचे से लेयर ऐड करने के बाद जो गाइस हमारी रोड थी बहुत वाइट है इसे हम ब्लैक करने वाले हैं, तो लाइटिंग में जाएंगे इसका भी गाइस हम एक्सपोजर माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद ये देखो गाइस राइट क्लिक करना है, तो राइट क्लिक करने के बाद ये गाइस बिफोर, ये देखो आफ्टर। ओके सो गाइस यहाँ पर हमारी टोन तो डल चुकी है, तो टोन डलने के बाद अब गाइस में करने वाले गाइस हम फेस स्मूथ, और गाइस यहाँ पर लगाने वाले हैं हम लेंस। ओके वो लगाने वाला गाइस ऑटोडेस्क स्केचबुक में, फेसबुक भी हम उसमें करने वाले हैं, तो गाइस फोटो को कर लेते हैं हम सेव। सेव करने के बाद चलते हैं गाइस ऑटोडेस्क स्केचबुक में, यहाँ पर गाइस हमने ऑटोडेस्क स्केचबुक में फोटो ओपन कर लिया, तो ओपन करने के बाद इसमें गाइस दो स्टेप करने वाले हैं, फेस स्मूथ और गाइस हम आइस लेंस लगाने वाले हैं। तो गाइस पहले हम आइस लेंस लगाते हैं, तो गाइस इनपुट इमेज में जाएंगे, हम आइस लेंस ले आएंगे।
सो गाइज ये आ चुके हमारे आइस लेंस। ओके तो यहाँ पर गाइस हम इसे ऐड करने वाले हैं। तो पहले गाइस राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर गाइस फोटो को आपको जितना जूम करना है कर लेना। यहाँ पर गाइस इनपुट इमेज जाना, यहाँ पर गाइस प्लग करा वाले पे टैप करना, ट्रांसफॉर्म करना। ट्रांसफॉर्म करने के बाद यहाँ पर गाइस आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लेना। यहाँ पर गाइस हमने आइस पहले से कट कर रखी है, आपको कट करने की जरूरत नहीं होने की है, पहले स्टेप कर रखें। ओके तो गाइस यहाँ पर गाइस देखते हो सही लग रहा है। तो सही लगने के बाद गाइस हमें इसे रियलिस्टिक बनाना है, आपको जाना है क्वालिटी पर। ओके लेयर पे जाना है, लेयर पे जाने के बाद इस पर टैप करना है, यहाँ पर मिल जाता है इस क्वालिटी का ऑप्शन। तो क्वालिटी को आपको माइनस करने के बाद यहाँ पर गाइस जहाँ भी आपको सही लगे कलर। ओके तो मुझे 34 पर सही लग रहा है, 34 पर हमें टैप करने के बाद ओके तो लेयर पर जाएंगे, इसकी गाइस हमें डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे, फिर से जाएंगे फिल्टर वाले ऐप पर ट्रांसफॉर्म कर देंगे। यहाँ पर गाइस हम इसे भी ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर गाइस आइस लेंस हमारा खत्म होता है। तो इनका लिंक तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा, जाकर डाउनलोड कर लेना, बहुत अमेजिंग लगते हैं। ओके जिस भाई ने वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना, चैनल यार जरूर सब्सक्राइब कर देना, सब बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो लेयर पे जाएंगे, लेयर पे जाने के बाद हम इस फोटो की डुप्लीकेट लेयर बना लेंगे। यहाँ पर गाइस फेस स्मूथ करने वाले हैं, तो इस पर गाइस तुम्हारा मैंने फुल वीडियो बना रखी है, तो फुल वीडियो अपने चेकआउट नहीं करे तो चेकआउट कर लेना, उसका लिंक तुम्हारा भाई डिस्क्रिप्शन में डाल देगा। आई बटन में लिंक है, जाके देखना वीडियो फेस स्मूथ कैसे करते हैं, इसमें भी गाइस तुम्हारा भाई बताने वाला है। तो आपको जाना है लेयर पे, लेयर पे जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको स्मज वाले ऑप्शन पे टैप करना है, इस वाला ब्रश सिलेक्ट करना है, दूसरी लाइन में दूसरा ब्रश इस पर टैप करने के बाद सेटिंग में जाना, सेटिंग में जाने के बाद फ्लो और स्ट्रेन 8 और 6 रख लेना है, स्क्रीन शॉट ले लेना। तो गाइस हम इसे साइज को बड़ा करने के बाद यहाँ पर गाइस हम हल्के से ड्रॉ कर देंगे। तो ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर गाइस हमारा फेस स्मूथ हो जाएगा, तो देख सकते हो गाइस कितना अच्छा फेस स्मूथ हो रहा है हमारा। जो गाइस हमारे जहाँ पर पिंपल वगैरह थे हल्के हल्के, वो गाइस हमारे हल्के हल्के रिमूव हो जाएंगे। तो इस पर गाइस तुम्हारा भाई बस बता रहा है, वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना, उसमें गाइस आपको बिल्कुल अमेजिंग सीखने को मिल जाएगा। तो गाइस ऐसे आपको ब्रश चला देना है, तो आपको ब्रश चलाने के बाद आपका फेस स्मूथ यहाँ पर हो जाएगा। तो जैसे तो गाइस हमारे ब्रश चलाया भी, तो कितना अच्छा फेस स्मूथ हो चुका है, ये देखो बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ भाई, ये देखो बिफोर, ये देखो आफ्टर। इसलिए गाइस तुम्हारा भाई ने दो लेयर बनाई थी आपको बिफोर आफ्टर दिखाने के लिए। ओके तो गाइस हम इसे कर लेते हैं जल्दी जल्दी, आप भी कर लेना। गाइस यहाँ पर हमारा फेस स्मूथ हो चुका है, तो दोस्तों गाइस बिफोर आफ्टर दिखा देता हूँ भाई, ये देखो बिफोर, ये देखो आफ्टर, ये देखो बिफोर, ये देखो आफ्टर। तो गाइस यहाँ पर फेस स्मूथ होने के बाद गाइस यहाँ पर हमारी फोटो हो जाती है बिल्कुल रेडी। ओके अब कर सकते हो गाइस इस फोटो को इंस्टाग्राम पर अपलोड, और आपके बहुत अच्छे लाइक आ सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं आपकी। और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो क्या करो भाई, स्क्रीन पर जो हमारा भाई यसनी में 3 यूजर नेम है, मैंने भाई को यार जरूर फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पर, तुम्हारा भाई एडिंग सीट्रेट वहाँ बूम बूम फोटो अपलोड करता रहता है। तो भाई यही थी हमारी वाली वीडियो। ओके तो गाइस यहाँ पर वीडियो में कुछ भी नया सीखने को मिला होता है, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, इस वीडियो को यार जरूर शेयर कर देना मेरे भाई लोगों के साथ। तो तुम्हारा भाई मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऐसे एडिंग करते रहो, लव यू ऑल। We'll be right back.